भाई खूबसूरत लम्हों के साथ साथ बीच बीच में कुछ बातें चलती रहेगी, ये इंस्टाग्राम की गाइडलाइंस आ जाती है ना, तो इसीलिए ये लाइव बंद हो जाती है। बट ये लाइव को आज थोड़ी देर तक ऐसे ही चलाएंगे। आई होप सो कि भाई तुम लोगों को मजे आ रहे होंगे। भाई गाली गलोच और वो सारी चीज तो हर रोज होती है, लेकिन आज यार बस मैं ऐसे ही मूड में हूं, तो बीच बीच में तुम लोगों को कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगा। बहुत सारा ज्ञान है तुम्हारे पनोनी भैया के अंदर, ठूस ठूस के भरा पड़ा हुआ है ज्ञान। सिर्फ फर्क इतना है कि वो ज्ञान को कभी मैं बांटता मत हूं, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखता हूं। जिंदगी की कुछ ऐसी सच्चाई तुम्हें बताऊंगा कि तुम लोग रियलाइज करोगे कि नहीं, दैट इज द ट्रू। जो ज्ञान मैं देता हूं वो ज्ञान एक तरफा होता है, उसके कोई पहलू के दो साइड नहीं होते हैं। जो मैं ज्ञान दूंगा उसका एक ही साइड होगा और आप लोग उस बातों को बिलीव करोगे, ठीक है। तो चलो भाई ये नगमा सुनो थोड़ी देर, उसके बाद कुछ ज्ञान दूंगा तुम लोगों को। सुनो ज्ञान की बात, सुनना गौर से। ये प्यार है ना, प्यार इश्क मोहब्बत, ये ऐसी कुत्ती चीज है कि साला ये वहीं पे होता है जहां पे मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं होती। ये इसी जगह पे तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी फीलिंग्स ये इस जगह पे लग जाती है कि मतलब तुम्हें खुद को अंदर से पता है कि भाई ये लड़का या लड़की राइट ये मेरे नहीं होने वाले, फिर भी हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती है वो साला है ना वहीं पे ही जाके अटकती है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, उसमें दो चीज होती है, या तो बंदा वन साइड लव करता है या तो बंदी वन साइड लव करती है, राइट। अब वन साइड लव में क्या होता है, वन साइड लव है ना भाई कभी हारता नहीं। उसका रीजन ये है क्योंकि वन साइड लव में सिर्फ तुम ही होते हो, दूसरा पर्सन तो तुम्हारे साथ है ही नहीं, राइट। तो वन साइड लव है ना वो कभी नहीं हारता, ठीक है। अब दूसरी बात बताता हूं मैं आप लोगों को कि हमारी जो रियलिटी होती है, हमारी जो रियलिटी होती है और फीलिंग्स, रियलिटी और फीलिंग्स के अंदर है ना भाई बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। रियलिटी हमें पता है, रियलिटी हमको खुद को पता है कि भाई हमारी रियलिटी क्या है, ठीक है। लेकिन फीलिंग्स तुम्हारी डिफरेंट होती है, तो ये रियलिटी और फीलिंग्स के बीच के जो झगड़ा होता है ना भाई दिमाग के अंदर, मतलब कि रियलिटी ये है कि भाई तुम उससे मिल नहीं पाते हो, मतलब उसे देख नहीं पाते हो, उसको कॉल नहीं कर पाते हो, ठीक है। अगर वो चलो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं कोई अच्छी बात करता हूं तो मतलब ये जो ज्ञान मैंने निचोड़ निचोड़ के, ठीक है, मतलब के जो इंसानी फितरत होती है भाई, पूरी दुनिया घुमा हुआ हूं मैं, हजारों लोगों को मैं मिला हुआ हूं, हजारों लोगों के साथ मैंने अच्छा ऐसा टाइम स्पेंड किया है। तुम लोगों की तरह नहीं हूं कि दिल्ली से महाराष्ट्र चले गए या तो महाराष्ट्र से कश्मीर चले गए, ठीक है, ऐसा नहीं हूं मैं। तुम लोग सिर्फ, तुम्हारी जिंदगी है ना सीमित जिंदगी है, सीमित समझते हो, सीमित
के वही सीमित जिंदगी के अंदर, मतलब तुमने जो देखा सीखा जाना उसके अंदर ही तुम्हारी जिंदगी सिमट जाती है, लिपट जाती है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं, मतलब ये लाइफ की जो कसमो कहस होती है, और मुझे नहीं लगता है कि अभी तक मैंने जो चीजें बोली उसके अंदर मैंने भी एक भी गलत लाइन बोली है। यहां पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, यू गाइस फील सेम वे व्हेन यू लव समवन। ठीक है, मैं यहां पे लोगों के इमोशंस की बात कर रहा हूं, यहां पे मतलब के हाउ यू अट्रैक्ट विद समवन, फिर क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को नीचे जो बैठे हुए हैं, राइट, तो ये राजपूत लिख रहा है कि रंडी के बच्चे चुप कर, चल भाई ठीक है मैं तुझे ही चुप कर देता हूं, देख कैसे चुप करता हूं। जब भाई मैं ना नॉलेज वाले मूड में होता हूं ना, तो मैं बकचोदी और मैं बकचोदी कमेंट में नहीं, मैं नहीं सुनता हूं, समझ गए भाई। देखो, कोई भी नीचे गाली लिखेगा या तो भाई कोई फालतू की कमेंट लिखेगा, ये खेला नहीं चल रहा है। ठीक है भाई, मैं तुम्हें मतलब के मैं ये मैं चाहता नहीं हूं, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद मैंने एक चीज सीखी है कि भाई जो नॉलेज है तुम्हें, अगर वो नॉलेज को तुम किसी को दे सकते हो और वो नॉलेज का लोग इस्तेमाल करके जिंदगी में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, तो वो नॉलेज तुम लोगों को देना चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है कि भाई देखो, ये तुम लोग जो बोलते हो कि भाई कभी अच्छी बात किया करो पनौड़ी, कभी हमेशा कंट्रोवर्सी, हमेशा कंट्रोवर्सी, ठीक है। तो मैंने आज ये सोचा कि चलो भाई आज कुछ दो चार अच्छी बातें करता हूं, क्योंकि यंग लोग, मोस्ट ऑफ क्राउड यहां पे यंग लोगों का है, राइट। तो ये जो मैं बात कर रहा था कि तुम्हारी जो रियलिटी होती है और तुम्हारी जो फीलिंग्स होती है, रियलिटी मतलब जब तुम किसी को प्यार करते हो तो तुम्हारी फीलिंग्स ये होती है कि भाई तुम उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, भाई वो लड़की या लड़का तुम्हें अटेंशन दे, ठीक है भाई, तुम ये चाहते हो कि भाई तुम्हारा उसके ऊपर राइट हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें तुम करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि भाई तुम उसको सच्चे दिल से प्यार करते हो, ठीक है, लेकिन उसके सामने वो तुम्हारी फीलिंग्स है, लेकिन रियलिटी कतई अलग होती है। रियलिटी ये अलग होती है कि भाई चलो तुम किसी को ज्यादा कुछ चीजें पूछते हो कि भाई कहाँ थे, कहाँ गए थे, ब्ला ब्ला, किसके साथ थे, ये वो, तो भाई सामने वाले को हो सकता है कि वो सारी चीजें तुम्हारी अच्छी ना लगे, वो सारी चीजें उसको इरिटेट करती हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम करना चाहते हो, लेकिन वो सारी चीजें सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स है, तुम्हारी रियलिटी तो अलग ही है ना। रियलिटी में तो तुम ये सब सारी चीजें कर नहीं सकते हो। तो ये जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं प्यार के चक्कर में, जो लोग मतलब बोलते हैं कि भाई मैं डिप्रेशन में चला गया, मतलब कि मेरा मूड नहीं है, ये हो गया वो हो गया, तो एक्चुअल में ये चीज यही होती है कि तुम लोग अपनी रियलिटी नहीं पहचानते हो, तुम सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स को लेके सोचते रहते हो। समझते हो मैं क्या बोल रहा हूं वो, राइट। अगर तुम अपनी रियलिटी को लेके सोचो, अगर तुम अभी जहां पे हो, जिस सिचुएशन में हो, तुम्हारे साथ जो बंदा या बंदी है या नहीं है उसको लेके तुम सोचो, तो तुम है ना कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे, राइट। तो हम लोग सिर्फ बह जाते हैं इमेजिन लाइफ के अंदर, सिर्फ फीलिंग्स के अंदर कि भाई मेरी बंदी है, मेरा बंदा है, तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हम सिर्फ सोचते हैं, लेकिन रियलिटी तो कतई अलग होती है। रियलिटी में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जो सोचते हैं ना सिर्फ, वो सोच को लेके हम हर्ट होते हैं, वो सोच को लेके हम डिप्रेशन में जाते हैं, ठीक है भाई। लोग ये बोलते हैं, मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को देखा है, राइट, वो लोग ये बोलते हैं कि प्यार धोखा है, मतलब के किसी के साथ धोखा हो गया, किसी की बंदी ने उसके साथ चीट कर लिया, किसी के बंदे ने
बंदी के साथ चीट कर लिया, भाई झूठ बोला, धोखा दिया, ये किया वो किया, ठीक है यार, ये धोखा मतलब धोखा देना, झूठ बोलना, राइट, ये सारी चीजें रिलेशन के अंदर तब आती है, चाहे वो रिलेशन मतलब के वो रिलेशनशिप में बंदा या बंदी साथ में हो, राइट, या तो चाहे तुम किसी के पीछे हो, उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, या तो वो लड़का झूठ बोलता है या तो लड़की झूठ बोलती है, तो इन दोनों सिचुएशन के अंदर ये जो मतलब के लोग बोलते हैं कि उसका पासवर्ड तुम ले लो, उसका सारे अकाउंट्स मतलब के तुम चेक करो, उसको फॉलो करो, ये करो वो करो, यार प्यार है ना एक खूबसूरत एहसास होता है, तो उसके अंदर अगर आपको कोई चीट करता है, आपको पता चलता है, तो उसको बोलो मत कि भाई तुमने मेरे से चीट किया, तुम्हारे पास कोई प्रूफ आ गया आपने उसको चीट किया, ठीक है। तो जब तुम्हें लगता है, अगर आप उसे बहुत प्यार करते हो, हद से ज्यादा प्यार करते हो, तो फिर उसको समझाने की कोशिश करो, उसको एक मौका दो, उसको मतलब कि अच्छे से समझाओ, भाई तुम भी तो दूध के धुले हुए नहीं हो ना, भाई मेरे से चीट की कर लिया, तो भाई तुमने जिंदगी में किसी के साथ झूठ बोला ही नहीं, भाई कभी कभी हो जाती है ऐसी चीजें, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बंदे को या बंदी को फिर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, या तो फिर किसी को प्यार नहीं होता, या तो फिर हम देवदास बन जाएंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जिंदगी का नाम चलना है, जिंदगी चलती रहती है, लेकिन आपको वो सारी चीजें अच्छे से सोच के और अच्छे से मैनेज करनी होती है, ठीक है भाई। जो ह्यूमन बीइंग्स होता है उसके अंदर दो चीज होती है, एक तो क्रोध होता है, राइट, एक पेशेंस होता है, और तीसरी चीज होती है विवेक। भाई जो क्रोध मतलब जो गुस्सा करता है ना, जो गुस्सा करता है वो कभी भी कहीं नहीं पहुंच पाता, जो पेशेंस रखता है, ठीक है, जो पेशेंस रखता है और जो विवेक रखता है, भाई कोई भी सिचुएशन हो लाइफ के अंदर, विद पेशेंस विद द विवेक, जिंदगी के अंदर तुम कोई भी सिचुएशन को आराम से हैंडल कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि झगड़ा हो जाता है दोनों साइड से, तो कभी कभी तुम अपने बंदे को या अपनी बंदी को ऐसी चीजें बोल देते हो जो तुम्हें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन वो चीजें बोलने के बाद गर्ल पावर तेरे को दिखाऊं मैं कौन है विवेक, बताऊं तेरा विवेक क्या है, वो बोलूं लोगों को तेरी फीलिंग्स कहां पे थी, वो इतने दिन बाद तू सोशल मीडिया पे आई है तो चुपचाप नीचे बैठ के सुना कर, ज्यादा नीचे कमेंट बॉमेंट मत कर, समझी, वरना अभी तेरा विवेक, तेरी श्रद्धा और तेरा सब्र और तेरा गुस्सा सब कुछ खोल दूंगा यहां पे 5 मिनट में, समझी। क्यों अब चली गई, अब नहीं करेगी कमेंट, कर कमेंट कर, अब क्यों भाग गई तू, जिनके जिंदगी के लौड़े लगे हुए हैं वो तो नीचे यही कमेंट करेंगे ना, विवेक कहाँ है, अरे तूने खुद से विवेक और पेशेंस से काम लिया होता ना तो तेरा हस्बैंड तुझे लात मार के नहीं जाता, समझी, खोलू अपना मुंह, भाई मैं इसीलिए ना मैं कभी भी अच्छी लाइव नहीं चलाता हूं, समझते हो, क्योंकि ये जो क्राउड है ना, ये क्राउड को सिर्फ चाहिए बकचोदी, तुम लोगों को सिर्फ चाहिए भैनचोद, झगड़ा, गाली गलोच, नंगा करो,
ना न्यूज वायरल करो, ये करो वो करो, भाई तुम लोगों को यही चीज चाहिए, समझते हो। इसीलिए मैं कभी भी या ना भाई अच्छी नॉलेज वाली या तो मैं ऐसी कोई अच्छी लाइव नहीं चलाता हूं, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों के दिमाग में ही भैंचोर। भाई देखो सुबह तुम उठते हो ना, राइट, या तो तुम लंड से सोचते हो और जो औरतें होती है वो चूत से सोचती है, ठीक है, दिमाग तो तुम लोगों में है ही नहीं, क्या लौड़ा ज्ञान दूं मैं, चलो भाई हटाओ।